नमस्कार दोस्तों, मैं नीति सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रामवती। मैम कब से आ रहे हो आप डेरे के अंदर? मुझे ऐसे 18-19 साल है। मैम इतना लंबा समय हो गया, कैसा माहौल देखा है आपने? बहुत बढ़िया, ऐसा कहीं पे भी नहीं मिल सकता। मैम आप कह रहे हो नहीं मिल सकता कहीं, मगर मीडिया चैनलों पर काफी कुछ दिखाया गया था गुरुजी। हाँ काफी कुछ दिखाया था, वो सबसे गलत था। अगर गलत ना होता तो हम क्यों आते? मैम मतलब गलत होता तो हम क्यों आते? मैम आप विश्वास करते हो गुरुजी? पूरा विश्वास करते हैं। क्या कारण है आखिर, क्या दिया है गुरुजी ने? हमें सब कुछ दिया है। मैम लोगों की भलाई के लिए कुछ कार्य किए हैं संत जी ने? बहुत सारे किए हैं, आज तक संत कोई कर भी ना सके। क्या मैम कुछ कार्य बता सकते हो आप? हैं कुछ कार्य बता सकते हो? खून दान करा हमारे गुरुजी ने, अन्न दान करा, कपड़े दान करे, और जो ना बेसन को नाम दान दिलाए, शादी करी, और आदिवासी को जो ना उनको बुद्धि दिलाई, सब कुछ किया। मैम इतने सारे कार्य किए हैं संत जी ने, तो आज आप लोगों को लगता है समाज में जरूरत है उनकी? बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है आखिर? क्यों समाज के लिए नहीं है जरूरत है अपने गुरु की, कि उन्होंने सब कुछ दिया है, उनके बगैर पी का है। मैम आप आगे भी आते रहोगे डेरे? बिल्कुल, मरते दम तक। अगर कोई ये कहे ना कि खड़ी है जा गोली मार दूंगा और तेरे मेरे गुरु को छोड़ दे, तो मैं खड़ी है जाऊंगी और मेरे गुरु को छोड़ दे। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से यही अपील करेंगे कि हमारा जैसा गुरु कोई हमें दिखाई नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार लोग आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि संत जी की आज समाज को जरूरत है, हम विश्वास करते हैं। मैम आप लोग सुरक्षित हैं डेरे के अंदर? सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। घर भी सुरक्षित है और यहाँ भी सुरक्षित है।